पेट्रोल डीजल घरेलू गैस शाकभाजी बाद हवे सीएनजीना भाव पण सतत वधी रह्या छे। आगामी समय में सीएनजी और पीएनजी भाव में वधु वधारो थवानी संभावना छे। गैस ऑथोरिटी द्वारा शहर की गैस कंपनीओं ने सप्लाय करवामां आवता कुदरती गैस भाव में वधारो करवामां आव्यो छे। मासिक समीक्षा दरमियान जीआईएले किंमतों में 18% नो वधारो कर्यो छे। गैस थी सीटी गैस हवे 10.5 प्रति यूनिट डॉलर करी नाखी छे। वधता खर्च ने कारण कंपनीओ सीएनजी और पीएनजी भाव में वधारो करे तेवी शक्यता छे। तो ग्रीन गैसे सोमवार लखनऊ में सीएनजी दर में रूपया 5.3 प्रति किलो नो वधारो करीने रूपया 96.1 प्रति किलो करी दीधा छे। तो अमदावाद में अदाणीए सीएनजी गैस भाव में प्रति किलो रूपया 1.99 नो वधारो करता प्रति किलो सीएनजी की किंमत रूपया 83.90 थी वधीने हवे रूपया 85.50 थी गई छे। भाव वधारानुं कारण वैश्विक बजारों में गैस की किंमतों में सतत उछाड़ो होवानुं निष्णातो जणावी रह्या छे। गया वर्षे कुदरती गैस की किंमत प्रति यूनिट 1.79 डॉलर थी, जे एप्रिल में वधीने 6.1 प्रति यूनिट डॉलर थी हती। जारे ऑगस्ट में गैस की किंमत 10.5 प्रति यूनिट पहुंचता हजू पण गैस भाव में वधारो थई शके छे। तो आ भाव वधारा थी रिक्षा टैक्सी चालकों थी लई मध्यम वर्ग लोकोनुं बजेट खोरवाशे। ત્યાંના પબ્લિકને તો પોસાય નહીં, આવતા સમયમાં આનો વિરોધ કરવો જોઈએ, જરૂરી છે। આમ સમાજ માટે બધી તકલીફ છે કે બે પૈસાનો ફાયદો થાય અને પરવડે એ પ્રમાણે। આવતો વારંવાર વધ્યા જ કરે છે, હવે આમાં તો શું કરી શકીએ। હવે પ્રજાને બહુ નુકસાન થઈ રહ્યું છે, પણ હવે સાંભળવાવાળું કોઈ થયા નહીં। सरकार ने तो पब्लिक बहु विनंती करे छे, पण सांभळवा क्या कोई तैयार छे। पहेला तो बहु सारू हतुं, ज्यारे गाड़ी लीधी त्यारे ओला उबेर में चलावुं छुं, पण हवे अत्यारे तो पोसातुं ज नथी, बहु मुश्किल। भाड़ामां अत्यारे 300-400 रूपया रोज रोजना ओछा मळे छे।